नमस्ते अपनाएं, अनावश्यक यात्रा नहीं करें। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। ये जो डोर टू डोर हमारे जो ऑटो टेपर जा रहे हैं और डोर टू डोर जा कर के जो कचरा संग्रहण का कर रहे हैं, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, और इसके तहत राज्य सरकार की डायरेक्शन है, ये नगर निगम का खुद का लगाया हुआ कोई सरचार्ज या यूजर चार्ज नहीं है। राज्य सरकार ने ये गवर्नमेंट के निर्देशों से इसको हमें आज से 3 से 4 साल पहले से लेना चाहिए था, लेकिन ज़्यादातर पूर्वगत बोर्ड वगैरह में जो भी पार्षद थे, हमारे जो महापौर वगैरह थे, उनका ये सोच था और उन्होंने कि भाई ये एक बार पब्लिक की आदत पड़ जाए कचरा लेने की, नहीं तो कचरा भी नहीं ले पाएंगे और पैसा लगा देंगे चार्ज, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो गत समय से लगातार हम लोगों ने कम से कम 120 ऑटो टिपर लगा रखे हैं, जो हर वार्ड में दो दो ऑटो टिपर हैं जो जा के कचरा कलेक्शन करते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा जो तय है, गवर्नमेंट ने ही तय कर रखा है कि हमें कितने एरिया के प्लॉट पे कितना, मतलब मकान पे कितना लेना है, होटल पे कितना लेना है, दुकान पे कितना लेना है। नगर निगम के द्वारा ये कोई टैक्स अलग से इम्पोर्ट नहीं किया गया, और जो विरोध किया जा रहा है या लोगों की जो मांग की जा रही है, तो वो मांग करे राज्य सरकार। राज्य सरकार अगर उचित समझे कि राज्य सरकार चाहे तो डिजोल्व कर देगी, तो नगर निगम नहीं वसूलेगा, अन्यथा नगर निगम का एक आय का स्रोत है, और निश्चित रूप से हमारे को भी बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। हमें स्ट्रीट लाइट का भी काम है, हमें रोड सुधारने का काम है, नालियाँ बनाने का काम है, तो वो आय अगर निगम को नहीं होगी तो विकास कार्य भी ठप हो जाएंगे। तो एक ये सफाई का भी उनको, हम हर घर को जो रहने वालों को उनको सफाई, उनका कचरा ले जाने का कार्य भी कर रहे हैं, साथ ही जनहित में और भी कार्य उसी पैसे से होंगे। तो इसका जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शन नहीं आता है, तब तक हम इसको वसूल करना शुरू करेंगे। सर कितने मिनिमम चार्ज कितना होगा इसमें? मिनिमम 150 गज तक का जो मकान है उस पर 80 रुपये हैं, और उसके बाद अलग अलग इसकी पूरी स्लैब बनी हुई है उसके अनुसार है, और कॉमर्शियल का अलग है, दुकानदारों का 300 रुपये है, होटल्स वगैरह है तो 1500 रुपये है, इस तरीके से अलग अलग इसके स्लैब्स हैं, उसी अनुसार इसकी वसूल। सब किस तरीके से करते हो आप, क्या घर घर भेजते हो या क्या? हमने पिछली बार 5 वार्ड ऐसे हमने लोकेट किए थे जिसमें हमने हमारे कर्मचारियों को घर घर भेज करके और इस तरीके से इसका कचरा कलेक्शन करना शुरू किया, इसका जो सरचार्ज था शुरू किया था लेना, और अच्छा उसमें हमें रेस्पॉन्स मिला, और पब्लिक ने भी इसको बड़ा नहीं मानते हुए अच्छा पैसा हमें जमा कराया है, और आने वाले समय में हम जो है इसको, हमारा जो कचरा कलेक्शन करने वाली जो एजेंसीज होगी, उस एजेंसी के माध्यम से ही हम इसे वसूल करेंगे। अभी 5 वार्डों में चलती है वसूली? अभी 5 में ही था, पूरे शहर में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब भी मैंने 2 महीने